अमर मणि त्रिपाठी, पूर्वांचल का वो माफिया जिसका एक पांव सियासत की देहरी पर रहा और दूसरा जुर्म की दहलीज पर। उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं थी, जहां सत्ता थी वहां उसका ठिकाना था। 90 के दशक में उसकी हनक ऐसी थी कि वो जहां खड़ा हो जाता वही रैली हो जाती। अमर मणि त्रिपाठी की हथेली में राजयोग था। एक तरफ थानों में अमर मणि के खिलाफ मुकदमों की फाइल मोटी होती जा रही थी, दूसरी तरफ अमर मणि का रसूख भी बड़ा होता जा रहा था। ऐसा रसूख जिससे अमर मणि माया सरकार में, सपा सरकार में और बीजेपी सरकार में भी मंत्री रहे। सत्ता के सफर में एक रोज अमर मणि त्रिपाठी की मुलाकात वीर रस की कविताएं पढ़ने वाली लड़की से हुई। उसका नाम था मधुमिता शुक्ला। मधुमिता और अमर मणि के अवैध संबंधों का अंजाम ये हुआ कि मधुमिता गर्भवती हो गई। अमर मणि पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। 9 मई 2003 को मधुमिता को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी वाले घर में घुसकर गोली मार दी गई। इल्जाम लगा अमर मणि त्रिपाठी पर। हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा है, वो हमारे यहाँ दो चार कवि सम्मेलनों में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई थी और केवल ही रिश्ता रहा, इसके अलावा। उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में भूचाल आ गया। अमर मणि त्रिपाठी उन नेताओं में से थे जो उस दौर में हर बदलती सत्ता का जरूरी हिस्सा हुआ करते थे।